राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लिव लाइफ विद नीता। आप सब कैसे हैं दोस्तों, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा आप सब कैसे हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं आज अपनी सिस्टर के घर बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और फिर चलते हैं दोस्तों पार्टी में, फिर मैं वहाँ का आपसे ब्लॉग शेयर करूँगी। बाय बाय दोस्तों। अब हम मार्केट आ गए हैं दोस्तों, और मैं गिफ्ट के तौर पे उसे एक फ़्रॉक देना चाहती हूँ, और मैं वही फ़्रॉक चूज़ कर रही हूँ कि कौन सा फ़्रॉक उसके ऊपर ज़्यादा अच्छा लगेगा। और मैं दुकान में उनसे बोल रही हूँ कि मुझे और कुछ अलग दिखाइए, कुछ अच्छा दिखाइए, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसकी वजह से मैंने ढेर सारे फ़्रॉक निकलवाए, क्योंकि इतने सारे फ़्रॉक उन्होंने दिखाया पर मुझे कोई भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं ब्राउन वाले के जैसा फ़्रॉक दूसरा देखना चाह रही थी, पर उनके पास ये ब्राउन वाले फ़्रॉक में दूसरा कुछ कलेक्शन नहीं था। फिर मैंने ऊपर से मंगवाया फ़्रॉक, ये दोस्तों जो ये पिंक एंड वाइट में देख रहे हैं ना, इसी टाइप का एक फ़्रॉक मैंने पसंद किया जो साइड में रखा हुआ है ऑरेंज और वाइट में, ये मुझे पसंद आया। मैं आपको सॉरी दोस्तों, मैंने आपको पूरी फ़्रॉक नहीं दिखा पाई, ये वाली फ़्रॉक मुझे अच्छी लगी और मैंने अब फ़्रॉक पसंद कर ली है। और मैं बिलिंग काउंटर की तरफ जा रही हूँ फ़्रॉक का बिलिंग करने। अब मैंने इस फ़्रॉक को परचेज कर लिया है और मैं अपनी बहन की घर की तरफ जा रही हूँ। अब ये मेरी छोटी सिस्टर है दोस्तों। ठीक है, आगे मैं केक कटिंग का आप वीडियो शेयर करूँगी। ये देखिए दोस्तों, केक कटिंग की तैयारी हो रही है यहाँ पे। ये डेकोरेशन देख रहे हैं आप लोग, हैप्पी बर्थडे का जो बैलून लगा है मुझे बहुत प्यारा लगा ये। और कटिंग का जो प्रोग्राम था वो यहाँ पे था, और जो खाना खाने का प्रोग्राम था वो सामने था, सामने हॉल है, उस हॉल में था इनका प्रोग्राम खाना खिलाने वाला। मैं और मेरी सिस्टर हैं जो इंजॉय कर रहे हैं इस पार्टी को। ये देखिए दोस्तों, मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि मेरे न्यू वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। मेरे इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा दोस्तों। और ये देखिए बर्थडे गर्ल, इतनी क्यूट बर्थडे गर्ल थी ना। दोस्तों हमने इस बर्थडे में बहुत इन्जॉय किया, और जो क्यूट सी गर्ल दिख रही है ना, उसका एक साल कंप्लीट हुआ है, फर्स्ट बर्थडे उसका सेलिब्रेट हुआ है। हमने बहुत इन्जॉय किया, वहाँ का डेकोरेशन, वहाँ का स्टाइल, सबके पहनावे हमें बहुत पसंद आए, बातचीत का तरीका बहुत पसंद आया। मैं वहाँ फर्स्ट टाइम गई थी, बट मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं वहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ। मेरे बच्चे भी बहुत इन्जॉय किए दोस्तों। वहाँ डीजे लगा हुआ था, बट हम लोग उधर नहीं गए, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है कि जाके जेंट्स लोग डांस कर रहे थे उनके बीच में डांस करना, तो हम लेडीज़ इधर ही थे बच्ची के साथ। दोस्तों वहाँ काफ़ी भीड़ था उस हॉल में जहाँ पे वो लोग खाने का प्रिपरेशन किए हुए थे, और ये देख सकते हैं आप कितनी भीड़। अभी अभी तो आधे लोग आए ही नहीं थे यहाँ पे, अभी आधे लोग जहाँ पे केक कटिंग हुई थी वहाँ पे थे, आधे लोग यहाँ थे। और ये देखिए, मैं भी यहाँ जहाँ केक डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था वहाँ के लाइन में मैं भी लग गई,
भाई बारी बारी हमने सबको मिलकर केक दिया, क्योंकि हम जो हमारी बहन है वहाँ की, वो बहू है, तो वो सामने नहीं आ रही थी। तो मैं अपने बच्चों के लिए और अपनी छोटी सिस्टर के लिए, दोनों सिस्टर के लिए अपने, मैंने मैंने केक लिया और उन लोग को दिया। उन्होंने वहाँ पे काफ़ी कुछ बनवाया था नाश्ते में और खाने में, काफ़ी आइटम्स थे। चाउमीन थी, चूड़ा मटर थे, गाजर का हलवा था, गुलाब जामुन था, पान वगैरह भी शायद लगवाए हुए थे साइड में, पर हम लोग पान के स्टॉल पे नहीं गए। फिर हमने नाश्ता किया, फिर हमने थोड़ा थोड़ा ही खाना खाया, क्योंकि नाश्ते से जो है ना हमारा पेट फुल हो चुका था। ये हमारी बहन है, उनकी जेठानी है बड़ी वाली, और हम लोगों ने साथ में जहाँ पे थे हम लोग साथ साथ ही थे। मेरी सिस्टर का तबीयत सही नहीं था तो वो शॉल बोली, दीदी मुझे शॉल ओढ़ लेनी है। मैंने बोला ठीक है ओढ़ लो, क्योंकि ठंड ना लग जाए। अभी उसका तबीयत काफ़ी टाइम से ख़राब था, उसे फीवर आ रहा था, शायद उसे ठंड लग गई थी। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। थैंक यू दोस्तों।